ये दोस्तों मैं इस हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ मिजाह निगार कॉमेडी किंग मरहूम मालेगांव को इन मिसरों से आवाज देता हूँ कि फल करनी का अपनी पा गया ना, कि फल करनी का अपनी पा गया ना, उजाले में भी ठोकर खा गया ना, तेरे मरने भी कब्रस्तान बोला, बहुत इतरा रहा था आ गया ना। जोरदार तालियों के दरमियान मरहूम मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम। जवाब दे रहे कि झगड़ा कर रहे हैं? मैंने तुमको आता ही है ना जी, तुमको आता ही है। तो मैं तो सलाम कर दिया मुस्लिम भाइयों को, अब हमारे दो हिंदू भाई कसम से शुरू से देख रहा हूँ, आपको भी नमस्कार कर दूं और इनके लिए तालियां बजाओ यार, ये बहुत बड़ी बात है। हम दो मिनट मराठी के लिए नहीं बैठते, हमारी उर्दू की मोहब्बत में दो जनाब बैठे हैं, बहुत श्रीमान लोग हैं। क्या कहने भाई, अरे वाह 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 यार, तुम हमारी बहुत अच्छी बात है मरहूम भाई, हम आपकी भाषा की कदर करते हैं। और देखो मैं तो एकदम सच्चा बोलूंगा, क्योंकि आप झूठ बोलने की ना अपनी स्टेप खत्म हो गई, इतना काला हो चुका मैं, अब बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा, जब तक हिंदू भाई नहीं आते ना तो परफेक्ट तो भारत होता ही नहीं, क्योंकि भारत भी आप लोगों के नाम से ही है, हिंदू बोले तो हिंदुस्तान, आप आएंगे तो मुकम्मल कोई भी काम होगा। और मैं तो अगर इजाजत दो तो गुलपोशी कर दूं, मैं मेरा दिल बोल रहा था जी बिल्कुल, नहीं मैं करना, आप आइए हमारे लिए एक रख, आइए साहब आइए, आप आइए, पूरा मजमा इस्तकबाल कर दे तालियों के जरिए। आदरणीय दशरथ भाऊ यादव पत्रकार संगठन अध्यक्ष, और साथ ही मैं गुजारिश करता हूँ जनाब परवेज अहमद साबिर साहब से भी कि डाइस पर आए और सदर मुशायरा मेराज खान पठान साहब उनकी गुलपोशी करें। परवेज अहमद साबिर साहब। इसलिए किया हूं मेरे भाई कि हम इनके बगैर नहीं है, ये हमारे बगैर नहीं है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था ना मुशायरा पाकिस्तान में चल रहा था। अच्छा है, आपने ये करके बता दिया कि वाकई हम भारतीय लोग हैं, भारत में मुशायरा चल रहा है। हाँ, और बहुत दिल से खुलूस, बड़ा अच्छा, बड़े मनीष भाई, मनीष भाई, मनीष मुबारकबाद, इन्हें आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा उनका। हाँ नहीं, अल्लाह करे, हमारी दुआएं आप ऐसे लिखते रहे, और बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छा शेर पढ़े हमारे, हाँ वो भी बड़ा अच्छा शेर पढ़े हैं, बहुत अजीब कशिश है, एट्रैक्टिव है वो, अल्लाह आपको भी कामयाब करे। मैं कम बोल रहा है, माइक ज्यादा बोल रहा है। हाँ दादा, माइक नहीं, मेरे से ज्यादा अलग दिख रहे, मैं कुछ बोलने का वही बोल रहा है सर, मैं ऐसा धीरे धीरे माहौल बनाऊंगा, क्योंकि ऐसा उम्र हो गई ना, अब टाइम लगता ना ऐसा इन्हें फिर। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगा हमारे जनाब, नहीं अजहर इकबाल साहब हैं और तमाम दोस्तों का नाम नहीं लिया, कौन है ये ना, बस धीरे धीरे अपने बोलेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मैं एक दफा ताली बजा दो, मेरे को बता दो कि यार। हाँ नहीं 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 नहीं, मैं अक्सर प्रोग्राम में बोलता ना, ताली से हम कवि लोगों का, कलाकारों का पेट भरता। सुनो साहब जी, बिल्कुल बहुत दिल से मैं कि हम कलाकारों का ताली से पेट भरता, ये बात मेरी पत्नी भी जानती, कभी कभी मैं घर जाता जोर से वो ताली बजा देती, मैं समझ जाता आज खाना बने ली। अरे क्या कहने, अच्छा है। हाँ ये बड़ा अच्छा है, शादी का माहौल, खुशी का माहौल है, इसलिए आप लोग बुलाए। मैं देखा बैनर में पठान बहुत है ऐसा खान लोग, हाँ मगर वादे के बहुत पक्के रहते, तो मैं देखा एक जगह मेरी गली में एक पठान साहब झगड़ा कर रहे थे, अब वो अपने हिसाब से झगड़ा कर रहे थे, अब वाकई जितने मेहमान हैं सब अपने नाम के हिसाब से बराबर है, पठान पठान लग रहे, नवाब साहब भी नवाब लग रहे, नहीं उनके बाल से ही लगता क्या, इतनी नफासत से रखते, वाकई नवाब है। बिल्कुल, तो पठान हमारी गली में एक पठान, वो झगड़ा कर रहे थे और क्या बोल रहे थे मालूम, सामने वाले से झगड़े में ये बोल रहे थे, बोले ओ तेरा बाप का दूध पिए तो लड़ ले। बोले यार ये कौन सा झगड़ा, बोले तेरा बाप का दूध पिए तो लड़ ले, बोला पठान साहब बाप का दूध कोई नहीं आता है, नहीं होता है, बोले वह बाप का दूध होती है, बोलो होती है,
बोले नहीं बाप का दूध नहीं होती, बोले हम साबित करती हम सबूत देती है बाप का दूध होती है। बोलो कैसे होती है, बोले कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाने का चुपके से दूध का डब्बा उठाने का मेडिकल वाला देखेगा बोलेगा रख तेरा बाप का दूध है। हाँ हाँ जोरदार तालियां होना चाहिए मरहूम मालेगांव के लिए। अच्छा है मरहूम भाई। नहीं नहीं अपन एक लाइन में बोलते जो भी होगा हंसी मजाक पे होगा, कितनी भी मोटी शख्सियत हो अपन कॉमेडी करेंगे, अपना काम रहेगा कॉमेडी करने का, तुम लोग का काम रहेगा हंसने का। मगर मैं एक बार फरमाइश करूंगा हंसना तो मुंह से हंसना। अच्छा है अच्छा है मुंह से हंसना तो अपना काम वही रहेगा। तो आपने मैं अक्सर मुशायरे में यही बोलता कि जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, झूठ तो बोलूंगा नहीं क्योंकि अपने को बोलने की जरूरत नहीं। अपने पूरे देश का अकेले नरेंद्र जी बोल रहे थे, वो अपनी जरूरत क्या बोलने की, क्या कहने, अरे बाबा बाबा अपनी जरूरत ही नहीं बोलने की। तो एक लाइन मैं सुनाऊंगा, शेर बहुत बढ़िया है, अपने को दाद देने का, ज्यादा विचार नहीं करने का। ज्यादा विचार करने वाला घर में भी नहीं चलता क्योंकि पत्नी भी उसको खा जाती है, सोचने का नहीं, चाहे अपनी सियासत हो के बीवी हो एक जैसा देखने का, दिमाग पे नहीं लेने का। एक लाइन बोलूंगा मैं दूसरी लाइन में दाद देने का, मैं शेर बोलूंगा तुम्हारा क्या काम है। बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल हम अंकुश हाजिर है सब दाद देने के लिए। नहीं बहुत अच्छे लोग हैं और मैं ऐसा अक्सर हर मुशायरे में बोलता जहाँ जाता ना मैं यही बोलता बहुत अच्छे लोग हैं मगर कब तक। अरे क्या कहने, अच्छा है मैं जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए मरहूम मालेगांव के लिए। मैं तो जोक के लिए बोलता साहब, हंसी के लिए बोलता, खाली अपने को हंसी निकालने का। एक दिन मैं पत्नी को बोला, बीवी को बोला तेरे वास्ते चांद ला दूंगा, तारे तोड़ के ला दूंगा, ये सूरज ला दूंगा, तो मेरे को बोलने लगी तुम भी भाजाम में चले गए क्या। अरे क्या कहने, अच्छा है भाई। अरे भाई जोरदार तालियां बजा दो एक बार, बहुत अच्छा है मरहूम भाई। अरे वाह 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 वाह, अलग है, बहुत डर लगता हर से साहब, आप लोगों का भी अनुभव है। एक दबे पहने थे नहीं तो अभी खैर इनका भी दर्द वही है। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था मजाक में, ये देखने वाला था कौन कौन बोलता, पाठिंबा किसका किसका है। तो अपन एक लाइन में निपटेंगे मगर शेर में दम रहेंगे। हाँ वो अभी थोड़ा सा आपको एक लाइन में निपटेंगे। अब देखो शेर अच्छा लगे तो दाद देने का, सुनो जावेद भाई। मालिया यूं तो नहीं भागा खसारा करके, खसारा बोले तो लॉस करके नुकसान करके, मालिया यूं तो नहीं भागा खसारा करके। अब नीचे की लाइन में दाद देने, बहुत समझदार है, ऊपर नहीं दिए नीचे देंगे। मालिया यूं तो नहीं भागा खसारा करके, किसी अपने ने भगाया इशारा करके। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा है भाई। अजहर इकबाल साहब इस्तकबाल कर रहे हैं, जो चीज से चीड़ है दुनिया वाले वही बार बार करते हैं। अभी जुबेर हुसैन साहब भी आएंगे, पूरा याद दिलाएंगे कि अपनी तबाही कहां से शुरू हुई। तो शेर ऐसा शेर दमदार, अपने को खाली दाद देने का, अपन तो इशारे में बात करते, शेर ऐसा बोलते ना दुनिया की बहुत मोटी हाईकोर्ट भी अपने को नहीं पकड़ सकती। शायरी का नाम वही है इशारे में बात करने का, किसकी बात करने का नाम नहीं लेने का, अपना काम पूरा कर देने का। क्योंकि शायर और लड़की दोनों एक ही जैसे रहते, वो भी इशारे में काम करती, शायर भी इशारे में काम करता। हाँ अपना वही काम है। तो देखो एक शेर मैं देता हूँ, अपने फौजी शहीद हुए हम लोगों को ही बड़ा गम है, क्योंकि वो अगर सरहद पे रहते साहब तो हम चैन से सोते, बेशक। तो हमारी दुआ है उन तमाम शहीदों को, ऊपर वाला इन्हें स्वर्ग में रखे जन्नत में रखे, क्योंकि उसमें एक जाति के नहीं थे, दुश्मन की गोली कभी जात नहीं देखती, वो सिर्फ क्या कहने। अरे हमको तो एकता यही बना। जावेद इशाती न्याज कशी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं, मेरा शाह पठान साहब की तरफ से, जमीर पटेल साहब की तरफ से, असलम खान साहब की तरफ से। हमको तो सामने का मुल्क, दुश्मन मुल्क की गोली हमको सबक दे रही, गोली एकता बता रही कि देखो हम जात नहीं देखते। हम भारतीयों को तो यही पेग हो जाना चाहिए कि अगर गोली जात नहीं देखती। और मैं तो बोलूंगा धीरे धीरे कि जात मैंने सब रिश्ते में देख ली, जाति मजहब सब रिश्ते में देखा, मैं एक रिश्ते में मजहब नहीं देखा, मैं वो माँ का रिश्ता है। क्या बात है, और उसका सबूत दूंगा मैं, और आप लोग देखे होंगे, आप लोग यकीन से बोलेंगे हाँ उसमें जाति नहीं होती, क्योंकि बाप का नाम हर जाति में हर भाषा में अलग हो जाता है।
हम अब्बा बोलेंगे, आप पिताजी बोलेंगे, अंग्रेज फादर बोलेगा, नाम अलग अलग हो गए, शब्द अलग अलग हो गए, मगर माँ का ऐसा नाम है जो हर मजहब में मुंह से ही शुरू होता है। हम अम्मा बोलते हैं, तुम माता बोलते हो, अंग्रेज मदर बोलता है। देखो उसके नाम में भी ऊपर वाले ने फर्क नहीं रखा है। माँ मगर एकता क्यों रखती है? सबसे बेहतरीन एकता उसी के पास है। मैं देखा बाजार में, आप लोग भी देखे, गौर करना, एक बच्चे को रोते देखा मैं, वो जैसे ही बोला अम्मा रोते हुए हर जाति की माँ पलट गई थी। अरे क्या कहने, अरे जोरदार तालियां होनी चाहिए मरहूम मालेगांव के लिए। बहुत अच्छा है मरहूम भाई। जुबेर हुसैन साहब इस्तकबाल कर रहे हैं, खालिक नवाब साहब इस्तकबाल कर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक। एक बार पूरा मजमा मिलके जोरदार तालियां बजाते, बहुत अच्छी बात मरहूम मालेगांव ने पेश की। साहब एकता क्या बताएं, हम तो बुद्धिमान हैं, जिन लोगों को बुद्धि नहीं है एकता उनके पास है। एकता किसके पास है? नदी के पानी में एकता है, हर जाति के बच्चे हर लोग नहाते हैं उसमें, मगर नदी कभी उसको गुस्से में नहीं हकलती। पेड़ की छांव में हमने जाति देखी है, एकता देखी है, हर कौम के बच्चे वो पेड़ की छांव में खेलते हैं। ऐसा ही बनना है हमें, और हम बनना चाहे तो बन सकते हैं। ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने हमें प्रेम के लिए पैदा किए, और हम एक दूसरे को चिढ़ के देख रहे हैं। बहुत बारीक बात है, तो मैं एक एक लाइन में निपटते आऊंगा, समझाते जाऊंगा। अब मैं एक शेर पढ़ूंगा, हमारे जो फौजी शहीद हुए, बड़ा अच्छा शेर है, बस इशारे में बात होंगी। कैसे हुआ ये हादसा, खत्म मंजे गलती, खता बोलते नमाजी, यानी खता नहीं है, मेरी खता नहीं है। कैसे हुआ ये हादसा, किसकी खता है ये? कैसे हुआ ये हादसा, किसकी खता है ये? पहुंच जाना वहां तक कि कैसे हुआ ये हादसा, और शेर अच्छा लगे तो एकदम दिल से दाद देना। कैसे हुआ ये हादसा, किसकी खता है ये? किसने किया है, किस लिए, सबको पता है ये। अरे क्या कहने, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद मरहूम मालेगांव, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अच्छे शेर पर अच्छी बात पे आपने तालियां बजानी चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए। बात पूरी करो, नाम नहीं आना चाहिए, ना उनका है ना अपना है। शेर शायरी का मतलब मैं बुजुर्गों से यही सीखा हूँ, इसमें अच्छा है, शायर तशरीफ रखते हैं सब, तो मैं धीरे धीरे ऐसा शेर भी सुनाऊंगा, फिर हंसाऊंगा भी, और तुम्हारा काम रहेगा हंसने का, और कभी कभी ये सोच के हंस देना, हंसी नहीं आ रही, मगर हंसते रहो। हंसने से ऐसा होता ना, हंसने से सेहत बनती, बॉडी बनती, ऐसा मैं नहीं बोलता, बाबा रामदेव जी बोलते, मगर मैं जब गौर से उनकी बॉडी देखा तो अच्छा है। वही है, बड़े बड़े लोगों का वही रहता, वो बोलते मगर उनपे नहीं रहता मामला, तो अपने को बुरा नहीं मानने का। तो आप लोग हैरत कर रहे होंगे जब नाजिम साहब मेरा नाम पुकारे कि मालेगांव का जर्रा। अब उनको क्या बताऊं मैं मालेगांव का जर्रा और रनी, मेरा नाम है, गौर से देखो, मैं काला धन है। क्या कहने, अच्छा है, अच्छा है मरहूम भाई। हाँ कब से मेरी बात चल रही, आज आया मैं। तो आप मैंने अलग ही चीज है, और मेरे को मरहूम भाई, हालांकि मतलब काला धन लाने का वादा किसी और ने किया था, लाया फारूक जिया ने। नहीं तो वो आधा हिस्सा वो है ना, मैं जोरदार तालियां बजा दे मरहूम मालेगांव के लिए। आधी रकम इधर है, आधी रकम उधर है, ऐसा। अच्छा मगर दोनों जुड़ जाए तो जनता के काम आ जाएंगे, और काम भी आ रही है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, मैं एक कुछ शेर सुना दूं, इजाजत है ना, अच्छा लग रहा है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ें। नहीं ऐसा एहसास दिलाते रहना, क्योंकि हाँ हम लोग कैसा है, उम्र हो रही है ना, अभी एहसास खत्म हो रहा है, लोग बोलते रहे तो अच्छा लगता है, क्या अच्छा लग रहा है। मैं बच्चे थे, साहब थोड़ा सा अदब भी हटाऊंगा, फिर वापस में भी लाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए एक एक आइटम बता दूं मैं, कि आपके पास एक खानदान है बकरी का, बकरी का बच्चा माँ को जगा रहा है, उसको भूख लगी है, तो अम्मा क्या बोल रही है सुनो। जी बच्चा उर्दू बोल के जगा रहा है, अच्छा अपना हिंदी उर्दू में जगा रहा है, माँ को कैसे जगाएगा? अम्मा 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 आए क्या है अम्मा, भूख लगी। मैं जोरदार तालियां।
अब अम्मा बोली जब से तू दद्दू के पास बैठ जा, दादा के पास बैठ, मैं खाने का इंतजाम करती, प्रकरण करता। मगर पोता भी वहां पे चैन से नहीं बैठा, दादू को बोला मैं क्लासिकल गीत गाऊंगा, तुम बीच में वाह वाह करना। अच्छा, तो क्लासिकल गीत कैसे गाया पोता और दादा? अब इसके गीत पे वाह वाह दादाजी कैसे कर रहे? हाय 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 हाय, भाई जोरदार तालियां हो जाए, बहुत अच्छा है मरुम भाई, थोड़ा थोड़ा अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है मरुम भाई, बहुत अच्छा है। बड़ी माजरत के साथ है ना, मुशायरे का वो मुकाम नहीं है, मगर मैं माफी चाहूंगा। और मैं अक्सर मुशायरे में बोलता हूँ कि अगर मैं गलती करूँ तो सबूत दे देता हूँ कि मैं आदम की औलाद हूँ। अच्छा है, मैं गलती करके सबूत देता हूँ आदम की औलाद हूँ, मगर तुम भी माफ करके सबूत दे देना कि नबी की उम्मती हो। क्या कहने, बहुत अच्छा है, माजरत के साथ। अच्छा, मैं माफी मांगते रहूंगा, काम करते रहूंगा। चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। यार नहीं नहीं, मैं सोचा थोड़ा बच्चे मरुम भाई, वो हंसने का जो स्टाइल है वो भी मेरे फरमान सुना दूंगा ना, बच्चे जरा नई ऑडियंस है तो मैं वो गीत सुना के फिर चलेगा देता हूँ। क्योंकि मेरे पास एक गाना है सलमान खान साहब की पिक्चर का, तेरे मस्त मस्त दो नैन, वो गाने के ऊपर मैंने अपने शब्द रखे। एक घर जमाई अपना बयान कर रहा, तकलीफ जो दिक्कत है जो परेशानी है, ससुराल में रह रहा बहुत दिक्कत है, मगर अपने हिसाब से गा के बयान कर रहा हूँ कि क्या क्या उसके साथ जुल्म हो, क्या जुल्म हो रहे। तो ऐसे शुरू किया हो, अब सामने बीवी ससुराल के सामने, मारते रहते मुझको घर वाले तेरे, मारते रहते मुझको घर वाले तेरे, भेजे पे आए भेजे पे आए, मारते रहते मुझको घर वाले तेरे, भेजे पे चढ़ गए भाई मैन ये तेरे, तेरे घर वाले बेलैन मेरी सोने की खा गए चैन, मेरी सोने की खा गए चैन, तेरे घर वाले बेलैन तेरे घर वाले। हाय हाय हाय, क्या कहने वरुण भाई, हमारे अनंतर साहब के लिए एक दफा जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि मैं बड़ी प्यारी जावेद भाई निजामत लगी उनकी, और मैं उनसे कोई हुक्म नहीं करूंगा, बस एक गुजारिश करूंगा, सिर्फ जरा सा ठहराव लाए। ओके, हिंदुस्तान का एक नाम बनोगे आप इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बस जरा सा शाइस्तगी करें। इन्हें मैं कोई आयब गोई नहीं कर रहा हूँ, जी जी, वो भी मैं खूबतर बता रहा हूँ कि आप खूबतर हो जाएंगे, बड़ी माजरत के साथ इंशाल्लाह। हाँ, तो मैं वो हंसते का बता रहे थे कि मैं अक्सर प्रोग्राम में देखता हूँ साहब कि लोग अलग अलग प्रकार से हंसते हैं, और हंसने की टाइम चेहरे कैसे कैसे होते हैं, क्वालिटी अलग अलग होती है, शक्ल अलग अलग होती है। तो मैं देखा कुछ तो ऐसे हंसते आवाज ही नहीं आती, इन्हें कॉमेडी करो तो हंसते ऐसे ऐसे हंसते, क्या कुछ लोगों का तो ऐसा ऐसा हंसते ना जैसे बाइक का गियर मार रहे, ऐसा मुंह बनाते ऐसा हंसते, और कुछ तो एकदम ऐसा हंसते ना एकदम, कोई तो देख ले अगर बड़े अपने बड़े बेटे घर के तो ऐसा शर्माते ना हंसते हंसते, ऐसा हंसते रहेंगे देख लिया अचानक तो कैसे शर्माएंगे। ऐसा कुछ तो इतने डेरिंग बाज रहते कोई भी देखे चुप होते ही नहीं, हंसते रहेंगे। ऐसा तो मैं बोला अगर हंसने की बीमारी अपना देश अगर तरक्की कर गया तो हर कोई हंसते मिलेगा, कोई टेंशन भी नहीं रहेगा, हर वक्त तो हंसते रहेंगे, कितना भी बड़ा टेंशन हो जाए घर में, मामला हो जाए, मैयत हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मतलब हर कोई हंसते रहेगा। अब वो बीमारी सरहद से घुसी, अब पहले फौजी लोग को लगी और जंग चालू है, मगर हंस के जंग कर रहे हो ऐसा। वाह भाई वाह वाह, अब दूसरा फौजी बोले बहुत मजा आ रही है, क्या कहने। क्या हुआ तू क्यों हंस रहा इतना? तो ये फौजी बोला गोली दुश्मन को मारी अपने फौजी को लग गई।
अब वो बीमारी, हाँ, अब वो बीमारी अपने देश के अंदर घुस गई। अब दो पहलवान की कुश्ती चालू थी, पहले एक पहलवान को लगी, फिर दूसरे पहलवान को, फिर बीच में रेफरी को लग गई। अब पहला पहलवान बीमारी लगी, अब दूसरा लड़ने आएगा, हंसने आया वो। अब ये बीमारी आगे बढ़ी, कोर्ट में बहुत संजीदगी से, बहुत टेंशन में केस चालू था। अब 10 मर्डर का ऐसा कातिल कटेरे में, पहले उसको लगी, फिर वकील को लगी, फिर जज को लगी। अब जज ने बोला ऑर्डर ऑर्डर, क्या तुमने 10 खून किया? ग्यारहवां तुम्हें। वकील बोले संजीदगी से लगी, देखा जज साहब कितना खतरनाक मुजरिम है ये। अब जज को लगी ऑर्डर ऑर्डर, ये कोर्ट है, कोई आलतू फालतू जगह नहीं, बंद करो कोर्ट। मगर सबसे खतरनाक बीमारी अपने एक वार्ड में लगी, कारपोरेटर को। भाषण चालू थे, मगर देखना ये हंसी में उसके शब्द क्या क्या, उसकी हंसी कहाँ कहाँ आती। अब कारपोरेटर भाषण चालू किया, सब वार्ड के लोग बैठे, अब भाषण चालू। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं बहुत अच्छा आदमी, आप मुझे चुनकर लाइए, मैं आपके मोहल्ले को स्वर्ग बना दूंगा। अरे वाह वाह वाह, नहीं नहीं उनकी बात नहीं कर रहे, ये तो आप बीच वाले रहते कि उधर घुमा देते। अच्छा है, मैं तो जो शहर में रहता ना वहां के नेता की बात ही नहीं करता, क्योंकि अपनी मजबूरी है, ये हर गांव में ऐसी बोलता हूँ। तो वो बीमारी आगे बढ़ी, वो शब्द तो क्या थे और क्या हंसी। बोले दोस्तों मुझे चुन कर लाओ, आपके गांव में जो परेशानी जो दिक्कत है हॉस्पिटल की, अगर मैं चुन कर आया तो आपके दरवाजे पे एक एक डॉक्टर, आप चुन कर लाइए, आपके मोहल्ले में जो बिजली की समस्या है, अगर मैं चुन के आया तो हर घर में एक चांद लगा दू। आप मुझे चुनकर लाइए, मैं चौथी मर्तबा खड़ा हुआ हूं, तीन दफा तो आप आप ताली बजा के जागरूक हो जाएं तो मैं भी थोड़ा जोरदार तालियां बजा लग रहा है ना जैसा ऐसा शोहरी शोहरी। नहीं जो आपको अच्छा लगे वो पढ़िए मरहूम भाई। अरे नहीं सुनाएंगे भाई, इंशाल्लाह नया पढ़ेंगे। नहीं नहीं जी पढ़िए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए मरहूम मालेगांव के लिए, हमारे मेहमान शायर। आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं, दो दो मतले पढ़ दिए मैंने। नहीं नहीं पढ़ नहीं रहे, नहीं पढ़ेंगे आप, नया तो सुनाए अभी शुरू से, नया नए तो सुना दिए। जी जी पढ़िए मरहूम। नहीं नहीं जो पैसा देते सुनना पड़ता ना उनकी। हाँ एक मतलब चंद शेर सुन लीजिए, वो जो फरमाइश कर रहे हैं। हाँ आप भी मौजूद हैं कि हमारे खानदेश में अक्सर लोग बोलते हैं सरदार, मोहल्ले के जो बड़े रहते तो उनको सरदार बोलते, तो उनके ऊपर एक कुछ चंद शेर है दोस्तों की फरमाइश के हिसाब के। इसका उसका माल दबा रहे, इसका उसका माल दबा रहे, क्या कर रहे सरदार, इसका उसका माल दबा रहे, क्या कर रहे सरदार, शादी बोल के भाती खा रहे, क्या कर रहे सरदार, शादी बोल के भाती खा रहे, क्या कर रहे सरदार, मस्जिद की तामीर का जिम्मा तुमने लिया, फिर मस्जिद की तामीर का जिम्मा तुमने लिया, फिर पक्का अपने घर को बना रहे, क्या कर रहे सरकार, वाह 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 वाह, बस जोरदार तालियां बजा दीजिए मरहूम मालेगांव के लिए। अच्छा है भाई, अरे वाह 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 वाह, पक्का अपने घर को बना रहे, क्या कर रहे सरदार, और बहन तुम्हारी हिस्सा मांग रही तुमसे, सही है ना, बहन तुम्हारी हिस्सा मांग रही तुमसे, सही है ना, हज कर रहे तुम फिर से जा रहे, क्या कर रहे, हज करने तुम फिर से जा रहे, क्या कर रहे सरदार, हज करने तुम फिर से जा रहे, क्या कर रहे सरदार, मल्ले खल्ले हीरो होंडा सब है फिर भी तुम, मल्ले खल्ले हीरो होंडा सब है फिर भी तुम पीला राशन कार्ड बना रहे, क्या कर रहे सरदार, क्या कर रहे सरदार, जिंदाबाद, राशन कार्ड बना रहे, क्या कर रहे सरदार। और मैं एक पेरोडी सुना दूं,
मैंने कोशिश की। कमर साहब, राज साहब का एक शेर बहुत मशहूर है, उसी के ऊपर मैंने गजल के चंद शेर लिखे हैं। उनका एक शेर था राज इंदौरी साहब का कि हरने वाले पे खुदा के नाम को याद रख आबाद रख, हरने वाले पे खुदा के नाम को याद रख आबाद रख, बरकते नाराज हो जाती है दस्तरखान से ईमान से। बरकते अल्लाह उनको अच्छा रखे। वो आते हैं जब माइक पे तो माइक भी बोलता है कि कोई मिला है, ऐसी आवाज है। अल्लाह उनकी आवाज में भी तवानाई रखे, ताकत रखे, हमारी दिल से आमीन आमीन। और अल्लाह उनकी सेहत को भी अच्छा रखे। वो ऐसे शायर है, मैं उनसे खुद बात किया कि सर मैं आपकी नक्काली करता हूँ तो कहीं कहीं मेरी रोटी रोजी चलती है। बोले बेटा तू कबूलिया, यही सच्चाई है तेरी, क्या कहने, तू सच्चा है। तो उनका अंदाज बड़ा अच्छा था। एक मुशायरे में वो पढ़े कि मेरे खुदा, एक रॉकेट गिर गया। वो ड्राइवर आया, बोले खुदा के वास्ते राज साहब धीरे पड़ा करो, आसमानी सफर खराब हो जाते तुम। क्या कहने, अच्छा है मरहूम भाई। अरे वाह 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 वाह। तो उनका शेर था ईमान से, ईमान से मोह टुकड़ा लेके अपना शेर बनाया कि कट रही है जिंदगी अपनी बड़े ही शान से, ईमान से कट रही है जिंदगी अपनी बड़े ही शान से, ईमान से मैं कमा लेता हूँ 200 आज भी लोबान से, ईमान से मैं कमा लेता हूँ 200 आज भी लोबान से, ईमान से। और फायदा इतना हुआ है खुद के दस्तरखान से, ईमान से फायदा इतना हुआ है खुद के दस्तरखान से, ईमान से अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से, ईमान से मैंने अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से, ईमान से। नहीं कभी आपको भी दावत दूंगा, हाँ नहीं दावत दूंगा मैं खाऊंगा ऐसा, हाँ अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से, ईमान से। और शेर है कि जब से बेगम को बिना मेकअप के देखा रात में बरसात में, जब से बेगम को बिना मेकअप के देखा रात में बरसात में, डर जरा सा भी नहीं लगता है अब शैतान से, ईमान से। क्या कहने, अच्छा है मरहूम भाई। डर जरा सा भी नहीं लगता है अब शैतान से, ईमान से। और ये एक शेर होगा आपकी नजर कर दे तमाम मेहमानों की शामाए के, नजर कर दे के रख दिया हमने उठा के वो कभी देखा नहीं खोला नहीं, रख दिया हमने उठा के वो कभी देखा नहीं खोला नहीं, कर ली गैरों ने तरक्की पढ़ के इस कुरान से, ईमान से। क्या कहने, अरे वाह 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 भाई, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए इस शेर का भाई, जहमत करे मरहूम भाई। अरे वाह वाह वाह, दोबारा पढ़े मरहूम भाई। रख दिया हमने उठा के, रख दिया हमारे मेहमान इस्तकबाल कर रहे हैं जी जी, रख दिया हमने उठा के वो कभी देखा नहीं खोला नहीं, कर ली गैरों ने तरक्की पढ़ के इस कुरान से जी, बहुत शुक्रिया, कर ली गैरों ने तरक्की पढ़ के इस कुरान से, ईमान से। साहब मैं कुछ म्यारी शेर आपके लिए भी पढूं, मगर मुझे ज्यादा ख्याल बच्चों का भी था, मैं मुकम्मल इन्हें अदब में भी पढ़ लेता हूँ, वो महफिलें अलग होती है, बड़ी माजरत के साथ थोड़ा मिला जुला के मामला चलता है, मगर आप लोग कुछ सुन रहे हैं तो सुना दूं मैं। कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दस दस दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए भोले हमने। तो मैंने कोशिश की, मैंने अपना मतलब बनाया कि उलाई शेर है, एक मिसरा पढ़ूंगा भाई, बहुत डेंजर शेर है। क्या मोहन्नस क्या मुजक्कर, क्या मोहन्नस के मुजक्कर भी ना छोड़े हमने। क्या मोहन्नस मुजक्कर भी ना छोड़े हमने, ये मुजक्कर भी ना छोड़े हमने, अंडे मुर्गों से निकाले भले थोड़े हमने। क्या कहने, अच्छा है। जब तक मुकम्मल शेर ना हो तो आप इधर उधर ना जाएं। क्या मोहन्नस के मुजक्कर भी ना छोड़े हमने, अंडे मुर्गों से निकाले भले थोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ाने की औकात कहाँ, बहरे जुल्मात में दौड़ाने की औकात कहाँ, सिर्फ शादी में ही मंगवाए थे घोड़े हमने। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, सिर्फ वो शादी में ही मंगवाए थे घोड़े हमने। तो मसला ये है कि कुछ बच्चे होते हैं तो अब उनके समझ में नहीं आता जो आपके समझ में आता है, और जो उनके समझ में आता है आपके समझ में नहीं आता, तो ख्याल रखना पड़ता है बड़ी माफी के साथ। तो मैं आप लोगों का मिजाज रख के कुछ और शेर पढ़ दूं। जी जी पढ़िए, पढ़िए मरहूम भाई। मिर्ज़ा गालिब चचा फरमाते हैं कि कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद पर नहीं आती, ऐसा ख्वाहिश कोई उसकी कोई शक्ल नहीं आती, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मैं लिखा था कि कोई दावत इधर नहीं आती। अच्छा है, कोई दावत इधर नहीं आती, कोई मुर्गी नजर नहीं आती। अब ये शेर, छह बरस हो गए शादी को, छह बरस हो गए शादी को,
कोई सूरत नजर नहीं आती। क्या कहने, अच्छा है मरहूम भाई। मगर एक शेर के लिए हजर पड़ा हूँ, 6 बरस हो गए शादी को, कोई सूरत नजर नहीं आती जिनकी बेटी जवान है उनको। अब ये शेर सुन के बताएं, ये दिलों का शेर है, रिश्तों का शेर है। जिनकी बेटी जवान है उनको नींद क्यों रात भर नहीं आती। क्या कहने, अरे वाह 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 भाई, शेर के लिए जोरदार तालियां बजाते पूरा मजमा मिलकर। जहमत करें मरहूम भाई। जिनकी बेटी जवान है उनको नींद क्यों रात भर नहीं आती। एक दर्जन तो हो गए पूरे, एक दर्जन तो हो गए पूरे, शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्या कहने, अच्छा है। अर्जियां लाख दे दी नेता को, अर्जियां लाख दे दी नेता को, मेरे घर तक गटर नहीं आती, मेरे घर तक गटर नहीं आती। जी पड़ी, हाँ पड़ी, दो शेर पड़ी। एक दफा ताली बजा दो ताकि अच्छे माहौल से रुखसत हो जाए। हाँ ठीक, अब कैसा है, मैं बेइज्जती महसूस नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे दो शेर पढ़िए ना मरहूम भाई, दो शेर पढ़ दीजिए, दो शेर पढ़ दीजिए। असल में हम लोग बहुत कंफ्यूज होते, शायर पीछे से आवाज देते हैं, हम लोगों आज आगे से ज्यादा पीछे से दाद मिलती है। उसमें बिगड़ जाते हैं। आप बोल रहे हैं तो पढ़ी देते हैं, कोई मसला नहीं। एक मतलब चंद शेर आप लोगों की खिदमत में, के उन्होंने पेरोडी कहा, दो शेर वो पढ़ देता हूँ साहब, उनकी भी खाई से तमन्ना है। जी जी, बेचारा अधूरा अधूरे रह जाएंगे वो। इन कुंवारों को खबर क्या शौहरी क्या चीज है, इन्हें शौहरी बोले तो पत्नी गिरी, पति गिरी, पति गिरी, जैसे दादागिरी गांधी गिरी आती है, ऐसे पति गिरी आती है। बिल्कुल अच्छा है भाई। इन कुंवारों को खबर क्या शौहरी क्या चीज है, शादी कीजिए फिर समझिए, शादी कीजिए फिर समझिए, बेबसी क्या चीज है। अच्छा है। अभी एक शेर बड़ी बारीकी से, कि देखते ही देखते एक पल में बंगला बन गया, ला 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 ला, देखते ही देखते एक पल में बंगला बन गया। जादूगर हैरत से बोले, लीडरी क्या चीज है। अच्छा है। और आखिरी शेर, ये तमाम रिश्तों का शेर, दर्द का शेर महसूस करें तो बड़ा प्यारा है ये शेर, के मर गई ससुराल में एक बेटी जल के फिर। क्या कहने। मर गई ससुराल में एक बेटी जल के फिर, पूछिए माँ बाप से मुफलिसी क्या चीज है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत मुबारकबाद की।